विनोद सिंह ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, स्कूटी पर मास्क लगाकर विनोद सिंह पहुंचे हैं। व्हाट्सएप चैट मामले में विनोद से पूछताछ हो सकती है, हेमंत सोरेन के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज, विनोद सिंह ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और ये देखने को मिल रहा कि स्कूटी पर मास्क लगाकर वो ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। जो व्हाट्सएप चैट सामने आया था, इसी मामले को लेकर जो है उनसे पूछताछ हो सकती है। देखिए, अभी मैं ईडी ऑफिस के सामने खड़ा हूं और थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले जो है वो विनोद सिंह यहां पर आए हैं। विनोद सिंह स्कूटी से उतरे हैं और स्कूटी लेकर के कोई चला गया है और ये स्कूटी से उतरने के बाद अंदर चले गए हैं और अमित नाम के एक युवा को भी अंदर से आवाज दे के बुलाए। डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, अभी आपने देखा एक और व्यक्ति है अरुण कुमार सिन्हा, जिनको मुझे लगता है कि 60 प्लस उनका उनकी एज है, उनको भी अंदर बुलाया गया है। और रहा सवाल विनोद सिंह का, तो विनोद सिंह को अचानक बुलाया गया है और वो अंदर गए हैं, बाहर उतरे हैं और मास्क लगा करके अंदर चले गए हैं। ये आधे घंटे पहले की बात है। अमित नाम के युवा की स्कूटर भी लगी हुई है और वो भी अंदर, उनसे अंदर से आवाज लगा करके बुलाया गया, अमित अमित, और उसने एक स्कूटर से फाइल निकाला है, फिर वो अंदर गया है। तो इससे आसानी से समझा जा सकता है कि अब विनोद सिंह का जो व्हाट्सएप चैट यहाँ पर ईडी ने पेश किया था कोर्ट में, 540 सफे का जो पूरा का चैट का बताया जाता है, उसके कुछ पेजेस ही शेयर किए थे मीडिया में, मीडिया में लीक हो गए हैं, उनकी पूछताछ भी हो सकता है कि सामने सामने बैठा करके की जा सकती है। और भानु प्रसाद का जो है आज टेन्योर समाप्त हो रहा है, रिमांड का डेट समाप्त हो रही है, आज उनको कोर्ट ले जाया जा सकता है और प्रे किया जा सकता है, क्योंकि फर्दर अगर उनकी ज़रूरत होगी तो फर्दर पूछताछ में वो सहयोग करेंगे, उनकी रिमांड में उनको लेकर के आगे पूछताछ की जाएगी। बहरहाल विनोद सिंह का यहाँ पर अचानक आना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि विनोद सिंह अचानक चर्चा में आ गए हैं और विनोद सिंह का व्हाट्सएप चैट अचानक वायरल हो गया है और चौक चौराहों पर यह चर्चा हो रही है कि आखिर उन अधिकारियों के जो नाम उसमें लिखे हुए हैं, उनके रेट्स लिखे हुए हैं, उनके डिजायर्ड पोस्टिंग का जिक्र है, प्रेजेंट पोस्टिंग का जिक्र है कि वो अभी कहाँ हैं और क्या बनना चाहते हैं। सवाल उठता है कि क्या ईडी एक कदम आगे आके चेक भी करेगी कि वो क्या उनको वो पोस्टिंग मिली थी कि नहीं मिली थी। बहुत सारे केसेस में हम लोगों को जहां तक याद आता है कि बहुत सारे लोगों का जिक्र जो है उसमें है, उनको पोस्टिंग मिली थी और पोस्टिंग मिली थी और पोस्टिंग मिल गई थी, इसका मतलब है कि लेन देन भी हुआ था। और जिसका अगर ऐसा होता है तो उन अधिकारियों को भी समन करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो लगता है कि जाँच सही दिशा में जा रही है। जी बिल्कुल शहनवाज, देखिए आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में ईडी को जो है हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कराना है और 12 फरवरी को जो है इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वही दूसरी तरफ ये बीएमडब्ल्यू कार जो वहां से जब्त हुआ था, उसे लेकर धीरज साहू से जो है पूछताछ होने की भी बात आ रही है। मामला नई एंट्री है कल के डेट में और धीरज साहू का उसमें कनेक्शन सामने आ रहा है। धीरज साहू को 10 फरवरी को बुलाया गया है ईडी मुख्यालय में, और वो अगर आते हैं तो वो बताएंगे कि आखिर वो गाड़ी हेमंत सोरेन के आवास पे कैसे पहुंच गई, वो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो भगवान दास नाम की एक कंपनी है उसके नाम से रजिस्टर्ड है, मनेसर आवास जो है हरियाणा में जो उन्होंने रेंट पे ले रखा है धीरज साहू ने, वहाँ वो गाड़ी वहाँ पर पार्क कैसे है, आखिर उसका संबंध धीरज साहू से क्या है और ऊपर हेमंत सोरेन के आवास में क्या कर रही थी, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बहरहाल इस पर फिर एक बार जुबानी राजनीति
बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। अभी आपने सुनाया कि उदित राज ने क्या कहा कि गाड़ी कहीं भी किसी की कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पार्क हो सकती है, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है उस गाड़ी की। हो सकता है कि हेमंत को जरूरत पड़ी है, उनके नज़दीकी किसी की गाड़ी होगी तो उन्होंने मंगवा लिया है उसको। तो बहरहाल ये सब बातों का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन धीरज साहू को आकर के इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इस गाड़ी से उनका संबंध कितना है और क्यों है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी, क्या कुछ पूछताछ होती है, पूछताछ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है बीएमडब्ल्यू गाड़ी को लेकर। और हाईकोर्ट में आज 12 फरवरी को सुनवाई भी होने वाली है, याचिका जो दाखिल की जाएगी, आज जवाब दिया जाएगा ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।